झुंझुनू यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद हेतु लोकप्रिय उम्मीदवार भाई सुधींद्र मुंड को बेलेट नंबर 4 चुनाव चिन्ह मक्का के निशान पर वोट देकर विजयी बनाए। नमस्कार, एएस न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सैनी। आज हमारे साथ हैं जादूगरी दुनिया के जादूगर तिरकाल। सबसे पहले आपका परिचय, असली नाम क्या है आपका? मेरा नाम नरेश महर्षि, बिलोंग करता हूँ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, गांव है भुक्कर का, मगर तहसील में। जादू में कुछ करने की एक तमन्ना थी, तो नरेश चूंकि कॉमन नाम है, जादू शब्द ही ऐसा है जो विषमित कर देता है, अचंभित कर देता है। तो मैंने कंपनी स्टार्ट करने से पहले ये सोचा भी नाम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें एक आश्चर्य हो। जादूगर बनने का ख्याल कैसे आया? जिंदगी में कुछ अलग करने की तमन्ना थी हमेशा से। मैंने फिल्म एक्टिंग में डिप्लोमा किया और मेरा शुरू में एक रुचि ही मतलब फिल्म लाइन ज्वाइन करने की थी, लेकिन फादर के अकस्मात निधन के कारण मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करनी पड़ी बतौर LDC। मैंने 10-12 साल नौकरी करी, उसके बाद में तब तक मैं फिल्मी दुनिया की लाइन से काफ़ी कट हो चुका था, क्योंकि 12-13 साल नौकरी करने से वो लाइन मेरे पीछे जा चुकी थी। और तमन्ना ये थी कुछ अलग हटके करूँ। शंकर का शो मैंने देखा, हमारे कॉलेज के बाहर मदारी लोग शो दिखाते थे जादू का, आइटम मजमा अपना अपना जो भी है, मैं घंटों घंटों उनके पास खड़ा रहता, उनसे रिक्वेस्ट करता कुछ सिखाओ यार, तो उन्होंने भ्रमित किया तंत्र मंत्र के नाम पर, कुछ ले दे के उनसे सीखे। तो वो शुरू में ही मैं कुछ ना कुछ मतलब एंकरिंग करता था, हमारे वहाँ रामलीला होती थी उसका मैं डायरेक्टर था नाट्य कला क्लब का, तो बचपन से ही मुझे अभिनय का शौक था। फिर जादूगरी का तो एंकरिंग जब मुझे स्कूल में भी मौका मिलता 26 जनवरी 15 अगस्त तो मुझे एंकरिंग का मौका मिलता, तो उस टाइम फिर मैं जादू भी दिखा दिया करता था। तो धीरे धीरे जब तालियाँ मिलती दर्शकों की तो हौसला बढ़ता गया। मेरा फर्स्ट शो 6 जनवरी 1999 भादरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और चूंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एज ए असिस्टेंट किसी भी मैजिशियन के पास काम नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही एक बड़ी कंपनी लॉन्च की और डायरेक्ट ही स्टार्ट किया, तो अनुभव की कमी थी, स्टेज के अनुभव की नहीं, वो तो मैं उसमें पारंगत था, मैनेजमेंट की। उन दिनों में 40-50 आदमियों का स्टाफ होता था, उनको मतलब खर्चे जो थे अनलिमिटेड थे, पता नहीं होता था कहाँ क्या करना है, तो अर्निंग थी लेकिन वो अर्निंग उन्हीं खर्चों में चली जाती थी। आज की तुलना करें तो वो सर पे उसकी अगर वेतन सैलरी को अगर अलग कर दिया जाए, एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब खर्चे होते थे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो वो धीरे धीरे समझ में आया। क्योंकि अगर मैं जब भी हम कोई क्या काम करते हैं तो अनुभव जरूरी होता है। अब तक कितने शो कर चुके हैं आप? मैं लगभग 18,000 के आसपास शो कर चुका हूँ, जिसमें बहुत से चैरिटी शो जैसे भूकंप पीड़ित सहायतार्थ, अकाल पीड़ित सहायतार्थ, और लायंस क्लब के लिए हम शो करते रहते हैं, और बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने शो किए। तो विभिन्न सामाजिक संस्थाएँ जब जब हमें मौका मिलता है और वो लोग आग्रह करते हैं, हम पूरा शो चैरिटी शो करते हैं। अभी जिस वर्तमान में हम जी रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है। जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी उन दिनों में शिक्षा का इतना जोर नहीं था, तो जब शो करते थे बहुत भीड़ होती थी और समाज में व्याप्त कुरीतियाँ बहुत थी, तथाकथित साधु संत जो भी थे उन लोगों ने इतना भ्रम फैलाया हुआ था तंत्र मंत्र के नाम पे, तो एक आम आदमी समाज हमारा डरा हुआ था तंत्र मंत्र के नाम से, और जादूगर कोई एज ए तांत्रिक ही ऐसे देखा जाता। बहुत से लोग आते थे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, हालांकि हम शो में साफ बोलते हैं मैजिक की कला है, एक आर्ट है, इसमें तंत्र मंत्र का कोई समावेश नहीं होता, हाँ हिप्नोटिज्म प्लस विज्ञान का समावेश होता है। जादू एक कला है, हम समय समय पे हमारी जादू की संस्थाएं बनी हुई है, सरकार से मांग करती है कि जादू को ललित कला में शुमार किया जाए। जादू को अगर ललित कला में शुमार किया जाता है तो एक जादूगर जो है ना 40 आदमी को कम से कम रोजगार देता है। अब जादूगर तो आपको बहुत मिल जाएंगे हमारे पास, जो असिस्टेंट होते हैं मैजिशियन, उनमें भी आर्ट होती है, कला होती है, दिखा लेते हैं, लेकिन
आजकल स्टेज शो चलाने के लिए लाखों रुपए का खर्चा चाहिए। अब एक कलाकार कलाकार तो है, लेकिन वो अगर रोजगार के लिए बैंक के पास जाए और बोले कि सर मुझे जादू का शो स्टार्ट करना, मैं एक मैजिशियन हूँ और मुझे 5 लाख या 10 लाख से एक शो स्टार्ट करना है, मैं अपना शो बनाना चाहता हूँ, तो बैंक उसको फूटी कोड़ी नहीं देगा। और अगर इसको ललित कला में शुमार कर लिया जाए तो बैंक भी इस कला को महत्व देंगे, रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए पैसा देंगे। और ये कला चूंकि भारतवर्ष की प्राचीन कला है, संरक्षण ना मिलने के अभाव में ये धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे है। और एक सच्चा जादूगर समाज को गुमराह नहीं करता, नहीं धारणा देता, नहीं रोशनी देता। भारत सरकार विभिन्न उपक्रम जैसे सफाई अभियान हो गया, एक पेड़ जरूर लगाएं, कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, जल बचाएं, जीवन बचाएं, एक जादूगर फ्री के अंदर ही जो सरकार के जो लोगों हैं, जो ये मैसेज हैं, फ्री के अंदर प्रचार और प्रसार करता है। और भारत सरकार, राज्य सरकार एक करोड़ों रुपए का ऐड देती है पेपरों में, न्यूज़ चैनल पे, तो जादूगर सरकार से लेता क्या है, जबकि समाज को कुछ देता है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार को दूर करता है आइटम के माध्यम से। अब हम एक लाइव मैसेज दें भी कन्या भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए, एक तो लाइव भाषण दे के बात करें और एक आइटम के साथ बात करें। हमारी स्टेज पर एक लड़की आई, मैंने उसको वैनिश कर दिया, गायब कर दिया, फिर बोलें जिस प्रकार ये लड़की गायब हो गई उसी प्रकार भारतवर्ष से लड़कियां गायब होती रही, तो एक दिन भारतवर्ष में लड़कियों की कमी आ जाएगी। तो कन्या भ्रूण हत्या बंद करें, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं। और ऐसे ही जैसे जल जीवन पानी पी हो गया, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट एटम वाटर ऑफ इंडिया, तो पानी आता है ये कल से में से। और जब बोलता हूँ जहाँ हमारे कैंप होता है, जैसे यहाँ उदयपुर वाटी में बोलते हैं नेक्स्ट एटम वाटर ऑफ उदयपुर वाटी, तो पानी नहीं आता, लोग हंसते हैं। तो मैं मैसेज देता हूँ कि उदयपुर वाटी के वासी पानी का बहुत वेस्टेज करते हैं, तो जल बचाएं, जीवन बचाएं, तो लोगों की समझ में आती है बात, तो सही कह रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत से उपक्रम हैं जो मैजिशियन, जैसे आजकल हमारा भोला भाला समाज ठगी का शिकार हो जाता है, विशेष तौर से महिलाएं ठगी जाती है, धन दोगुना करने के नाम पे, सोना चांदी दोगुना करने के नाम पे ठगी होती है। और आए दिन आप तो पत्रकारों समझते होंगे, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता छपता रहता है। हम आइटम के माध्यम से मैसेज देते हैं कि तंत्र मंत्र से कभी धन दोगुना नहीं होता है। एक बच्ची को स्टेज पर बुलाते हैं, उसको सोने की चेन देते हैं और फिर बताते हैं कि इसी प्रकार के पर्स के अंदर मैं चेन डालता हूँ और वहाँ से वो गायब हो जाती है, और दर्शकों में से बैठे किसी एक जनाब की पर्स के अंदर वो चेन आ जाती है। तो मैसेज देते हैं कि ये चेन यहाँ से जैसे गायब है ना, वैसे ही वो तथाकथित तांत्रिक लोग आपका सोना चांदी रुपया गायब कर देता है। क्योंकि महज एक कला है, एक आर्ट है, इसमें मैं एक आपको मैजिक करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास आपका कैमरा यहाँ लाइए, मेरे पास ₹1, ₹1, ₹1.50, 3.5 रुपये हैं। 3.5 में से मान लो मैं 1 रुपया अपनी मुट्ठी में ले लेता हूँ, पीछे कितने बचे 2.5 रुपये, 2.5 में से 1 रुपया फिर मेरी मुट्ठी में आ गया, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1.5 बच गया, फिर 50 पैसे फिर मैंने मुट्ठी में ले ली, वहाँ कितना बच गया 1, यहाँ 2.5 आ गया, और ये 1 रुपया मेरी मुट्ठी में चला गया, वहाँ कितना बच गया 0, यहाँ कितने आ गए 3.5। 3.5 में से मान लो मैं 1 रुपया निकाल लेता हूँ, पीछे कितने बचते हैं 2.5, पीछे कुछ नहीं बचता। तो इसी जादू में साधना है, समर्पण है। ये नहीं कि जादू को मात्र एक हाथ की सफाई का नाम दे के आप यूं बोल दो कि हाथ की सफाई से ही सब कुछ हो जाता, नहीं, समर्पण है, साधना है, अभ्यास है, जो प्रतिदिन करना पड़ता है। बाकी आपके न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मेरी ओर से हार्दिक बधाई और आमंत्रित करना चाहूँगा जब आपको समय मिले, क्योंकि आप लोग मोबाइल पे बिजी रहते हैं, चार दोस्त एक जगह बैठे तो सभी चारों पास मोबाइल होता है, आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता। और हंसना तो हम भूल ही चुके हैं, क्योंकि हंसी वाली कोई बात ही नहीं होती पूरे दिन में, व्हाट्सएप फेसबुक अपने यही चलता रहता है। तो हमारे शो में आएँ, 2 से 2.25 घंटे का शो है, इसमें आपको हंसना भी मिलेगा, दिल आपको प्रफुल्लित हो जाएगा, कुछ मैसेज भी हम कन्वे करेंगे आपके दिमाग में। और यहाँ तक कि हम हिप्नोटिज्म टेलीपैथी भी, मैं एक आइटम बहुत शानदार आइटम दिखाता हूँ, तो वो भी आप आके देखेंगे जब इस समय मिले, फिर बताएं। आप सभी ने मुझे सुना, देखा, हार्दिक मन से आभार, धन्यवाद।
युवा कांग्रेस के समस्त सदस्यों से पूर्ण आशा और उम्मीद है कि जिस प्रकार युवा कांग्रेस की मेंबरशिप के दौरान आपने मेरे पक्ष में सदस्य जोड़ के साथ दिया, ठीक उसी प्रकार इस चुनावी प्रक्रिया में भी मतदान का हिस्सा बनकर आपके अपने भाई सुधींदर मुंड को अत्यधिक